हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? अब से आपके किचन का और घर का मुश्किल काम होगा आसान। जी हाँ, कुछ ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आप सबके बीच में मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और फुल वीडियो को वॉच करेंगे तो ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की मेरी पहली टिप है, फ्रेंड्स हम होई और करवे का व्रत सब रखते हैं और ये पूजा के लिए हम इसको करवे को लेके आते हैं मार्केट से। मिट्टी का करवा होता है और इसको हम पूजा करने के बाद इसको हम रख लेते हैं क्योंकि ये शुभ का होता है। तो इसका आज मैं बहुत बढ़िया आपको यूज बताऊंगी। इसमें वैसे भी हम अगर पानी ठंड रखें तो पानी भी बहुत ठंडा रहता है और दही भी जमाएँ तो दही भी बहुत अच्छी जमती है, ठंडी ठंडी रहती है। तो ये हमारे लिए हर तरह से ठंडा रहता है। गर्मी में हम इसे इसका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि ये हमें ठंडक देता है, मिट्टी का बर्तन। तो आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो इस तरह से देखिए, आप इसमें ना मिट्टी के बर्तन में पानी डाल लीजिए और ये जो हरी मिर्च होती है फ्रेंड, ये हमारी ना जैसे हम फ्रिज में रखते हैं वैसे ये सूख जाती है, ड्राई ड्राई हो जाती है। तो इस तरह से देखिए आप, इस अगर इसमें पानी में ऐसे डालकर मिट्टी के बर्तन में इसको रखेंगे तो आपकी ये बिल्कुल हरी भी रहेगी और बिल्कुल भी सूखेगी भी नहीं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहेगी हरी मिर्च। जब भी आप इसको यूज करना चाहेंगे इसमें से निकाल लें। तो देखिए इस तरह से जैसे मैं रख रही हूँ इसी तरह से आप भी इस वाली टिप को ज़रूर फॉलो करें। ये छोटी छोटी टिप्स होती है फ्रेंड, जो कई टिप्स हमें नहीं पता होती और अगर हम डेली यूज में इन टिप्स का यूज करें तो हमारी लाइफ बहुत आसान बन जाती है। तो इस तरह से देखिए, अगर आप भी हरी मिर्च को लेके आते हैं, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं, तो इस तरह से आप भी जो मिट्टी का जो बर्तन होता है इसको बिल्कुल भी आप फेंके ना। वैसे भी इसको हम फेंकते तो बिल्कुल भी नहीं है, हम तो इसे साल भर रखते हैं और एक साल बाद हम इसे प्रवाहित करवा देते हैं पानी में। तो देखिए इस तरह से आप इसमें हरी मिर्च को रख लीजिए और अगर पानी के लिए यूज करना चाहते हैं तो पानी भी आप इसमें भर कर रख सकते हैं, वो भी बहुत ठंडा रहता है इसमें। पर ये छोटा सा था इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च रखी है और हरी मिर्च को ऐसे रख कर आप अब हम इसे देखिए इसे फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखने के बाद फ्रेंड ये 15 दिन तक भी आपकी ऐसी की ऐसी हरी मिर्च रहेगी। आपको जब भी इसको यूज करना हो आप इसे निकाल लीजिए और उसके बाद वापस इसी तरह से बाकी हरी मिर्च को पानी में इसी तरह से डालकर रख दीजिए। छोटी सी टिप है, बहुत ही यूजफुल है। तो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आई होप फ्रेंड आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी और भी ज़्यादा कमाल की है। न्यूज़पेपर तो फ्रेंड हम सबके घर में आता ही है और हम इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसे ऐसे ही रद्दी में बेच देते हैं, लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगर हम इसका प्रॉपर यूज करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो देखिए हम इसे न्यूज़पेपर को हम थोड़ा सा इसमें से पीस को निकाल लेंगे और इस पीस को देखिए हम बताती हूँ मैं आपको कैसे यूज करना है। तो ये छोटी छोटी टिप होती है जो बहुत ही काम की होती है। तो देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर को अलग अलग पीस करके आप ले लीजिए और एक बाउल में आप पानी ले लीजिए, किसी भी बर्तन में ले सकते हैं। और देखिए इनको आप न्यूज़पेपर को इस तरह से इसमें पानी में डीप कर दीजिए और डीप करके इसको थोड़ा सा हल्का सा निचोड़ कर और दूसरे वाले बर्तन में आप इसमें बाउल में रख लीजिए। तो ये मैंने कांच के बाउल में रखा है, आप भी कांच के बाउल में ही इसको रखें। तो मैं देखिए आपको इतना बढ़िया यूज बताऊंगी जो आपकी बहुत बड़ी समस्या का ये सॉल्यूशन निकाल देगा। तो इस तरह से देखिए आप इसे निचोड़ कर ऐसे कांच के बाउल में रखें और इसका आप ऐसे यूज करेंगे। ये भी देखिए आप जैसे फ्रिज में फ्रेंड देखिए हम ना फ्रिज में जैसे तरबूज रख देते हैं आप गर्मियों में और खरबूजा वगैरह हम रखते हैं, आम वगैरह, तो उसकी ना स्मेल हो जाती है फ्रिज में। तो अगर इस तरह से आप देखिए अगर अखबार के पीस को ऐसे आप कांच के पे इसमें बाउल में रखेंगे तो इसमें बिल्कुल भी जो फ्रिज में जो स्मेल होती है जो बड़ी अजीब सी स्मेल हो जाती है तो वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए आप इसको रख दीजिए और इसको जब ये 2-3 दिन में आप इसको दोबारा चेंज करके दूसरा रख दीजिए। बहुत ही यूजफुल टिप है। तो आइए चलते हैं मेरी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप मेरी टिप्स को यूज करके अपनी डेली लाइफ को फ्रेंड आसान बनाएं। तो जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगवाते हैं इस तरह का पेपर हमें मिलता है, हम इसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। ये मेरे मंत्रा से आया हुआ था तो मैंने इसका यूज किया। मैं आपको बताती हूँ कैसे इसका यूज करना है, आगे से आप इनको बिल्कुल भी ना फेंकें। तो ये फ्रेंड हम टमाटर मार्केट से लेके आते हैं तो कई टमाटर तो फ्रेंड हमारे जैसे देखिए कच्चे हैं, थोड़े से कच्चे कच्चे से हैं और ये देखिए बिल्कुल पके हुए हैं। तो कई तो हमारे पके हुए होते हैं और कई कच्चे होते हैं तो इनको भी हमें पकाना होता है तभी हम इसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो सब्ज़ी में इसका टेस्ट नहीं आता। तो इस तरह से देखिए मेरे ये इस तरह के जो कच्चे टमाटर हैं इनको देखिए हम कैसे पकाते हैं। तो जो ये पेपर है फ्रेंड इसको आगे से आप बिल्कुल भी ना फेंके तो आपके जो कच्चे टमाटर हैं वो उनको आप इस तरह से इसमें एक एक करके सारों को डाल दीजिए
और इसको डालने के बाद इसे ये ना जो टमाटर है आपके बिल्कुल पक जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी सब्जी के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये सारे टमाटर जो मेरे कच्चे टमाटर थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद आप इसको फोल्ड करके एक दिन के लिए रख दीजिए, तो अगले दिन आपके ये बिल्कुल से टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो आप भी अपने इन टमाटरों को इस तरह से पका लीजिए तो टिप अच्छी लगती है, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये झाड़ू को लेकर है। तो जैसे हम नई झाड़ू लेके आते हैं तो फ्रेंड और हम पुरानी वाली को छोड़ देते हैं, लेकिन इस वाली टिप को देखने के बाद आप पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, उसको भी आप यूज करेंगे। तो फ्रेंड देखिए नई झाड़ू से हम झाड़ू लगाते हैं तो जिसमें ये बाल वगैरह आगे से चिपक जाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए जो पुरानी झाड़ू है इससे इसका मैं आपको यूज बताती हूँ। तो जैसे एक फ्रेंड कई बार हमारे पास डस्ट पैन नहीं होता कूड़ा उठाने वाला तो हमें बड़ी दिक्कत आती है, नई झाड़ू से हम उठाते हैं तो हम अच्छी तरह से उठ नहीं पाता। तो पहले आप थोड़ा सा नई झाड़ू से अच्छी तरह झाड़ू लगा लीजिए घर में, उसके बाद आपको कूड़ा उठाना है। तो इस तरह से आप देखिए इसमें पुरानी झाड़ू पर अच्छी तरह से इस तरह से पॉलीथीन को कवर कर लीजिए और उसके बाद आप इसको इससे कूड़ा उठाएंगे तो आपके हाथ भी बिल्कुल भी नहीं गंदे होंगे। तो इस तरह से आप कूड़े को इससे इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद इसको आप पॉलीथीन को इसमें से खोल लीजिए। उसके बाद पॉलीथीन को आप अपने हाथों में इस तरह से पहनकर और इस तरह से आप इसमें सारा कूड़ा उठा लीजिए। तो कई बार फ्रेंड होता नहीं हमारे पास डस्टपैन या टूट जाता है, हम मार्केट में जाने का भी आलस कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए सारे कूड़े को आप आसानी से बिल्कुल आसानी से उठा पाएंगे और आपके हाथ भी बिल्कुल नहीं गंदे होंगे। तो बाकी को भी आप इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। और इस तरह का मैंने एक ये देखिए मेरे पास ये कार्टून का पीस था, मैंने इससे इस तरह से इसको उठा लिया है। तो आपके पास कोई भी ऐसी पतली सी कुछ भी हो उससे आप इसको उठा लीजिए। तो हम तो हाउसवाइफ है फ्रेंड, हर चीज़ से जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से हम बिना डस्टपैन के भी आराम से कूड़ा उठा सकते हैं। तो है ना ये बहुत यूजफुल टिप। अगर आपको भी मेरी ये टिप अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। तो इस तरह से देखिए सारा कूड़ा मैंने इसमें डाल लिया है और इसके बाद आप इस पर एक नोट लगा दीजिए और इसे अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। तो फ्रेंड है ना ये पुरानी झाड़ू का कितना अच्छा यूज। तो आप इस तरह से नई झाड़ू से ना उठाकर पुरानी झाड़ू से इस तरह से कूड़ा उठाए और आपके हाथ भी बिल्कुल साफ रहेंगे। टिप पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप फ्रेंड मेरी ये शिमला मिर्च को लेकर। शिमला मिर्च तो हम लोग सब यूज ही करते ही हैं, ये हमारी बहुत सारी रेसिपी में डलती है, चाउमीन में, चाइनीज वगैरह बहुत सारी रेसिपी होती है जिसमें हम यूज करते हैं। लेकिन इसको काटने में थोड़ी सी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स ही आती हैं क्योंकि जो इसके बीज होते हैं ना वो काटते हुए अक्सर इसमें आ जाते हैं और वो निकालने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस वाली टिप को फॉलो करेंगे आप तो आपकी ये जो बीज वाली समस्या है ये सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए पहले सबसे पहले चाकू से इसको इस तरह से बीज वाले इसके जो बीज वाला हिस्सा है ना उसको ऐसे गोल गोल करके आप इसको काट लीजिए। आप इसका कटर ना दूसरी तरफ से ना लगा के ये बीच में से इस तरह से लगाएं और इस तरह से बिल्कुल भी कट ना लगाएं। तो आप देखिए उसके बाद अंदर से चाकू को गोल गोल घुमाइए तो जिससे ये जो इसके अंदर जो बीज है ना वो सारे बीज इसमें आराम से बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। तो इसमें शिमला मिर्च काटने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बीज है ना, बीज किसी भी रेसिपी में नहीं डलते हैं तो बीज को निकालने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इस वाली टिप को आप फॉलो करेंगे तो आप अपन आसानी से अपनी शिमला मिर्च को काट लेंगे। तो किसी भी सब्जी में आप बनाएं जिसमें आप शिमला मिर्च यूज करते हो तो इस वाली टिप को फॉलो करेंगे तो आपको भी जो ये शिमला मिर्च काटने की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद आप इसको काट लीजिए, चाहे आप चाउमीन बनाएं, कुछ भी बनाएं, जो भी आप पनीर की सब्जी बनाएं, जो भी बनाते हैं इसमें आप शिमला मिर्च यूज करते हैं तो इस तरह से काट कर आप अपनी जो भी आप शेप पसंद करते हैं उस शेप में काट कर इसको यूज कीजिए। आई होप फ्रेंड आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई होगी। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज़ लेके आती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो में से आपको सबसे अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स कौन सी लगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। हैव ए नाइस डे फ्रेंड, बाय बाय, एंजॉय।